सब बच्चे आ गए हैं एक नया दिन विद अ न्यू डे ऑफ न्यू होप्स एंड न्यू एस्पिरेशंस। आज हम फिर से उसी उसी मुकाम पे वापस आए हैं कि हमारा जो टारगेट है नीट 2021 वो क्रैक करना ही है हम सबको। तो सारे बच्चे आ गए हैं, शशांक, तबस्सुम, सुरेंदर, सुमित, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एंड बच्चों बिल्कुल तैयारी कैसी चल रही है? एकदम बढ़िया से तैयारी चलनी चाहिए सबकी, क्योंकि आप लोगों का जो टारगेट है वो भूलना नहीं है। दुनिया की सारी डिस्ट्रैक्शंस छोड़ के, दुनिया के सारे काम छोड़ के, जो पहला टारगेट है, जो प्राइमरी चीज है, वो आप लोगों को अपना कवर करना ही करना है। क्या लगता है सर आपको? देखो मैं सुरेंद्र पाल जी को देख करके तो मुझे लगता है सुरेंद्र पाल नाम है, याद है आपको? महाभारत में द्रोणाचार्य का रोल किया था उन्होंने, अच्छा याद है आपको? देखा है आपने? नहीं देखा। हिस्ट्री थोड़ी सी वीक है। अरे नहीं, ये बहुत ज्यादा पीछे की बात नहीं है। सुरेंद्र पाल, तो डॉक्टर सुरेंद्र पाल जी भी जुड़ गए हैं। और कौन से हैं? कौन है? डॉक्टर सुशांत कुमार, सबको हेलो हेलो हेलो। और चलिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं? हाँ सर, आज जो है आप लोगों को पता ही है कि डाउट सेशन है। सैटरडे का दिन बहुत अच्छा होता है क्योंकि सैटरडे को आप लोग अपना दिल खोल के बिल्कुल क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जहां से मर्जी, जोन सा मर्जी, बायो का हो, केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स का हो, बिल्कुल बिंदास होके, बिल्कुल दिल खोल के सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बिल्कुल, तो डाउट्स क्लियर करने के लिए हैं। सब्जेक्ट के अलावा आपको नीट से संबंधित जो भी परेशानी हो रही है, जो भी डाउट है, वो आप पूछ सकते हैं बड़े ही आराम से। डॉक्टर ज्ञान रे, इनके इनको जो इन्होंने अपने नाम के आगे डॉक्टर पहले से लगा रखा है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनके ऊपर बहुत बढ़िया काम करेगी, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और भी बच्चों ने ज्वाइन किया है, 4 स्टार, FF, सेवती, विशाल, तबस्सुम, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी बात है बेटा। जो बिल्कुल रोज आते हैं बच्चे, डेली वो आ रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब सारे बच्चे बिल्कुल ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं और ईमानदारी से क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं और क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। और बेटा जो आप लोगों की पुरानी, जो हम लोगों ने ऑलरेडी आपको वीडियोज दी हुई है, यूट्यूब एकेडमी के चैनल पे अवेलेबल है, आप उन वीडियोज को भी देखा करो, क्योंकि अगर आप उन वीडियोज को देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्या होते जाएंगे, साथ साथ क्लियर होते चले जाएंगे। तो ये डाउट सेशन और ये सब तो करना ही करना है, साथ साथ उन वीडियोस को देखना भी है, शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। बिल्कुल, बिना शेयर और लाइक के तो कहानी अधूरी है। हमारी भी एनर्जी तभी सही मायने में काम करती है जब आप जुड़ते हैं, अपने जो आपकी डेडिकेशन है ना वो दिखती है हमें, तो हमें और मजा आता है काम करने में। ठीक है, एक बात, लाइक शेयर करने से क्या होगा, क्या होगा बताओ? जो हम ये प्लेटफॉर्म अभी आप लोगों के सामने ला रहे हैं, इस सबको, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो दुआएं भी देंगे आपको, आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं एनर्जी, यूनिवर्सल जो एनर्जी है वो काम करती है। ठीक है, दुआओं का भी असर होता है, जहां दवा काम नहीं आती वहां दुआ काम आती है। तो कुछ बच्चे आपको दुआ ही देंगे कि चलो भाई तुमने हमें ऐसे प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया जहां पर मेरी बहुत मदद हो रही है, मैं अच्छा करने लग रहा हूं, करने लग रही हूं, है ना? तो उन सारे बच्चों को आप जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अगर जुड़ेंगे तो आपकी भी तरक्की होगी, आप भी ज्यादा सीखेंगे, डिस्कशन का एक माहौल बनता है। कई बार हम ना मोनोटोनस स्टडी नहीं होती है, होती है क्या? नहीं होती है। डिस्कशन करने से कुछ चीजें आप पूछते हैं, कुछ आपको बताया जाता है, ये बहुत जरूरी चीज है ना? और सर सबसे अच्छी बात है कि एकेडू आपको हिंदी में भी पढ़ाता है और इंग्लिश में भी पढ़ाता है, जो मतलब दोनों लैंग्वेजेस में आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, इससे बढ़िया क्या बात है? क्या बात? और मुझे नहीं लगता कि कोई भी जगह ऐसी है जहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश साथ में दिया जा रहा है, सिर्फ एकेडू ही आपको दे रहा है। तो बेटा जो चीज मिल रही है उसको उठा लो, उसका लाभ उठा लो, उसको गेन कर लो अच्छे से। और सर इसके साथ साथ ही लेकिन मैं बोलना चाहूंगी कि बच्चों आप लोगों के एग्जाम्स अब पास में है, और आप लोगों को देखा है कि एक तो कोरोना का नया स्ट्रेन भी आया है और साथ साथ आजकल बर्ड फ्लू भी फैल रहा है, तो बहुत ज्यादा अपना आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। इन सबके सिम्टम्स यही है, कफ, कोल्ड, स्नीजिंग, फीवर, यही सब सारे सिम्टम्स है बर्ड फ्लू के भी और कोरोना वायरसेस के भी। तो बच्चों सबने अपना ध्यान रखना है इस इन्फ्लुएंजा वायरस, जो बर्ड फ्लू फैला रहा है और जो हमारा कोरोना वायरस है, उन दोनों से आपको भी, हमें भी और सबको सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है और दूसरों को भी करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है अपना है सब लोगों ने। बहुत सारे बच्चे राठौर जी ने पूछा हुआ है कि डीसी पांडे की बुक हिंदी में आती है क्या? नहीं, अभी तो डीसी पांडे की बुक हिंदी में नहीं आती है, आपको उसमें कोई परेशानी नहीं है, हिंदी करने के लिए हम आपके साथ हैं ना, आप क्यों परेशान होते हैं? तबस्सुम ने पूछा है केमिस्ट्री वाले सर कहाँ हैं? अभी तुरंत दाखिल हुए हैं, ठीक है, अभी आपके सामने प्रकट होंगे,
आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम तीनों ही, एक बच्चे ने कल बोला था ना पीसीबी बॉन्ड, नरेंद्र जी ने, आज अभी नरेंद्र जी आए नहीं है लगता है, पीसीबी बॉन्ड 3:15 बजे पीसीबी बॉन्ड बनता है सर। राशिद कह रहे हैं कोरोना विल बी एंड इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह कोरोना जो है और ये जो सारी बीमारियां जो आ रही है ये सब जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी और हम सब एक नए भारत की तरफ और एक नए वर्ल्ड में जो है अच्छे से, जो एक हेल्दी वर्ल्ड है उसमें सर्वाइव कर पाएंगे। एक क्वेश्चन भी पूछा है बच्चे ने कि आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या होता है। बेटा आर्टिफिशियल पेसमेकर में जब आपकी जो हार्ट है वो काम नहीं कर पाता, उसके अंदर सिग्नल्स ट्रेवल नहीं कर पाते, तो हमें पेसमेकर लगाना पड़ता है ताकि आपका हार्ट अपना काम कर सके। और दिल का काम क्या है? धड़कना, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना। तो वो ब्लड ट्रांसपोर्ट जो आपकी बॉडी में होना है वो करने के लिए आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है। यस मैम, घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। घर से बाहर निकलने के लिए वरुण कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए तो एकेडू आप लोगों के फोन में आ गया है। फोन में बस आपको यूट्यूब खोलना है, एकेडू की ऐप में जाना है और आपको क्या करना है, क्लासेस जो है वो अटेंड करनी है। घर से बाहर नहीं जाना, घर में रहे, सुरक्षित रहे और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहे घर बैठ के। बिल्कुल, जितनी मेहनत कर सकते हैं आप मेहनत करें। जाने आने में भी बहुत सारा टाइम जाता था बच्चों का, पहले कोचिंग में जाते थे इधर उधर, बहुत सारा टाइम खराब होता था। ठीक है, वो एनर्जी भी कम हो जाती है बच्चों की जब जाने आने में टाइम लगता। आपने ये सुना ही होगा वो जो इस बार जिस बच्ची ने 720 मार्क्स लाए थे उनके बारे में सुना है आपने? सर आप बताइए बच्चों को भी। उनके बारे में आपने सुना ही होगा, बहुत ज्यादा लंबी दूरी करके वो 10th से ही बहुत डेडिकेशन। तो आप बताएं, अगर स्टोरी आप सुनाएं तो ज्यादा अच्छी बात है, थोड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी बच्चों को। तो बच्चे एक बार, लेकिन पहले आप, हमारे जो केमिस्ट्री वाले सर हैं वो भी आ चुके हैं, तो ये स्टोरी सुनाने का काम तो सर बहुत अच्छा सुनाते हैं। सर स्टोरी टेलर है हमारे। सर का नाम? मैं कहानीकार हूं। मैं सुन रहा था सर अभी कह रहे थे, हेलो बच्चों हाउ आर यू, सर अभी कह रहे थे सर दाखिल हो चुके हैं ना, दाखिल हो चुके हैं ना, दाखिल हो चुके हैं। कहानी बताइए आप सर। राशि में एक बार सर बच्चों का भाई गुड आफ्टरनून सबको मेरी तरफ से, तीनों आ गए हैं। आज सैटरडे है, सैटरडे का दिन मोबाइल एप्लीकेशन में भी डाउट के लिए होता है और यहाँ जो लाइव चलता है उसमें भी आप अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं। जितने भी समस्याएं हैं सब्जेक्ट से लेकर के, सब्जेक्ट से हट के, सब्जेक्ट में तो वही रिलेटेड मामला चलेगा, चूंकि सन 2020 का नीट का पेपर आपको इस हफ्ते में हमने सॉल्व कराया है तो उससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, तो पूछिए अगर कुछ। ज्वाइन किया एक बच्चा पूछ रहा है गोबलेट सेल्स क्या होते हैं। बेटा गोबलेट सेल्स जो हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, जो डाइजेशन में मतलब पाचन क्रिया में हेल्प करते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम गोबलेट सेल कहते हैं। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून राहुल, सुशांत, बनवारी और सारे बच्चे आ गए हैं। सर बिल्कुल सारे बच्चे टाइम पर आ जाते हैं, इसका मतलब बच्चों ने सब्सक्राइब करा हुआ है चैनल और वो भूलते नहीं है। और जिन जो भूल जाते हैं, जिनको बीमारी है भूलने की, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि अपने आप आपके फोन में नोटिफिकेशन आए और आप बिल्कुल समय पर क्लास के अंदर आ जाए और एक मिनट भी आपका मिस ना हो, कोई भी बात मिस ना हो जाए बच्चों की। डॉक्टर ज्ञान राम जी, विजय राठौर, बनवारी जी, काल है बनवारी जी ना, कैसे हैं? सुशांत कुमार, राहुल रावत, विजय कुमार, भीमसेन साकिया जी, डॉक्टर ज्ञान रॉय, स्वाति कश्यप दन और प्रिया कुमारी, तबस्सुम राशिद, सब बच्चों को हेलो। हेलो मेहुल, हाउ आर यू, है ना। चलिए सर आप कुछ बता रहे थे उस लाइन सर। मैं बस आकांक्षा सिंह के बारे में, का पेपर जो है डिले हो गया है और संभावना नहीं है अगस्त से पहले होने की बिल्कुल भी। जून तक तो आपके पास टाइम है ही है, जुलाई की भी आपको हो सकता है, जुलाई का भी टाइम मिल जाए। आप ना बस अभी कब होगा पेपर ये मत सोचो। हाँ। आप ये सोचो कि जो आपको जून तक का टाइम मिला है उसमें कितनी ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, अगर आप अभी तक की तैयारी आपकी 700 नंबर की थी तो 720 की तैयारी करो, 720 अंक लाने की तैयारी करो। आकांक्षा सिंह से सीखो, आकांक्षा सिंह की स्टोरी बता रही थी मैम। सर आप बता रहे थे, आप बता रहे थे, नाम जरूर लिया था, बताना आपको है। सर आप बता रहे थे स्टोरी, मैं नहीं बता रही थी स्टोरी। नहीं, जो एक बात है कितनी ज्यादा दूर जाना होता था उनको बस में, उनके उनके फादर के बारे में ये है कि उन्होंने वो डेडिकेशन लिया ऐसे जगह पे जहाँ पर सारे लोगों ने बोला उनको कि क्यों भेज रहे हो अपनी बेटी को इतनी दूर। आपको याद है मैं आज जो बच्चे पब्लिकली जुड़े हैं जो लाइव एप्लीकेशन में हमारी है वो तो है ही, मैंने आज क्या कहा था सर, इतिहास जो लिखते हैं ना जो टॉप नंबर 1 में होते हैं, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, टॉप के डॉक्टर हो, वही लोग होते हैं जो विपरीत स्थितियों में अपना मुकाम बनाते हैं। आप ये सोचिए, पब्लिकली मैं बोल रहा हूँ भाई, सम्मान है, बड़े बिजनेसमैन हैं अंबानी जी, उनका बेटा अगर नीट क्लियर कर ले तो क्या वो ढोल बजवाएंगे घर पे?
उनका खुद का हॉस्पिटल है, क्या खुशी होगी। और वो क्या अपनी यात्रा को देखेगा कि मैंने वहां से और मैं यहाँ आ गया। हमारे बच्चे हैं गांव के, ये गांव के बच्चे जब बड़े अफसर बनते हैं, एमबीबीएस में एडमिशन होता है, एमएससी करते हैं, तो इन्होंने अपनी पीढ़ी बदल दी है। एक एडमिशन नहीं होता है, जनरेशन चेंज मैं कहूंगा उसको, क्रांतिकारी कदम। कई पीढ़ियां गरीबी में जी रही थी या गांव के लोगों को कोई डॉक्टर नहीं मिलता था, तो वो देश सेवा है सर एक तरीके से। क्योंकि किसी गांव का बच्चा अगर एम्स में एडमिशन ले लेता है और वो डॉक्टर बन जाता है तो वो अपने लिए नहीं बना है, वो गांव के कभी भी जब बीमारी होगी तो वो याद करेंगे कि हमारे गांव का, पास के गांव का एक डॉक्टर एम्स में है, उसके पास जाएंगे इलाज हो जाएगा। तो मानवता की सेवा भी करते हैं जो विपरीत स्थितियों में इतिहास लिखते हैं। मैं आपकी बात देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ बेटा। बिहार में एक ऐसा गांव है जहां पर देखेंगे तो हर दो दो घर में एक आईएएस है, ऐसा है। मतलब इस तरह से ये अच्छी बात होती है कि वो पूरी अपनी जो एनर्जी है वो सही दिशा में लगाते हैं। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कुछ बच्चे बोलते हैं इंग्लिश में परेशानी होती है, वो इंग्लिश हिंदी में नहीं अटकते, वो देखते हैं सीधा जो हमारी जो कंपटीशन है, प्रतियोगिता किससे है। प्रतियोगिता हमें बाहर से नहीं है, पहले तो अंदर की प्रतियोगिता जीतनी पड़ेगी, है ना। अंदर की प्रतियोगिता जीतनी पड़ेगी, यही द्वंद्व चलता रहता है। क्या द्वंद्व चलता रहता है, क्या यही द्वंद्व है कि मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। इस द्वंद्व से पहले बाहर निकलो। हिंदी इंग्लिश में कुछ नहीं रखा, आप जो भी लैंग्वेज चाहोगे उस लैंग्वेज को सीख सकते हो। और ज़्यादा अच्छा है आपके साथ, तो अच्छी बात है कि आप इंग्लिश भी जान सकते हो और हिंदी तो जानते ही हो। जो इंग्लिश वाले मीडियम के हैं उनको हिंदी जानने में बहुत परेशानी होगी, तो आपकी जानकारी ज़्यादा बेहतर होगी। अभी एक बच्चे ने लिखा सुपर आकाश 100, सर मैं पहले एलएन से कोचिंग लेता, ठीक है बेटा, और बट केमिस्ट्री में फिर भी प्रॉब्लम आती थी, केमिस्ट्री से प्यार हो गया ये कड्यू कोर्स ज्वाइन करके। थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और ये असली फीस है हमारी, ये ताकि आपका अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है और आपको सब्जेक्ट से प्यार होता है, प्यार के साथ डांट तो मिलती है मेरी, बहुत अच्छा लगता है। मेहुल कह रहे हैं कड्यू का क्रैश कोर्स से अब की बार क्लियर करूँगा सर जी, ये मैंने प्रोमिस किया लाइव क्लास में आपको। सबसे ज़्यादा रिजल्ट ओरिजिनल जो है वो एकलव्य देने वाला है, छोटे छोटे जो। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, हम उन बच्चों का सिलेक्शन कराएंगे जिनको अभी प्रॉब्लम है नॉर्मल कैलकुलेशन में। आप में से बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं ऐसे, बहुत गुणा भाग में, इनके लिए क्या करना है, पूरा दिन डेडिकेशन। यार सिलेक्शन तुम्हारा होगा, नाम तुम्हारा होगा, मतलब काम तुम्हारा होगा, नाम हमने करना है, जीत हमारी होगी। राशिद सैफी जी, एसएसएन रीजन क्या होता है, एसएसएन रीजन बेटा क्वेश्चन होते हैं उसमें कारण दिया जाता है, और रीजन मतलब एसएसएन में प्रॉब्लम दी जाती है, रीजन में उसका कारण दिया जाता है, फिर पूछा जाता है कि चार ऑप्शन होते हैं, अगर जो प्रॉब्लम है वो ठीक है और उसका जो रीजन है वो सही है तो उत्तर ए होता है, और अगर दोनों ठीक है मतलब रीजन भी प्रॉब्लम भी सही लिखी उन्होंने, हाँ ऐसी प्रॉब्लम होती है और वो कारण जो है वो भी अपने आप में सही है लेकिन वो इसका कारण नहीं है, तो ऑप्शन बी होता है। ये एम्स वगैरह में ज्यादा पूछे जाते हैं, आईटीजेई में ये एक तरीका होता है, ऐसे क्वेश्चन हम कराएंगे बार बार आपको। कथन है और दूसरा तर्क है, जो कथन है वो कथन सही है या नहीं है ये भी पता करना होता है, तर्क जो है वो तर्क उस कथन से मिलता जुलता है या नहीं है, यही बात है बेसिकली एसर्शन रीजनिंग। बिहार में बच्चा पैदा होता है तो यही होता है कि बड़ा होकर आईएएस बनेगा, और सबसे ज्यादा रिजल्ट बिहार से ही आता है, इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पे रोटी के लिए लड़ाई होती है कि भाई इतनी गरीबी है ऊपर कैसे बढ़े, और वही लोग मुकाम लिखते हैं, जो पेट जिसका भरा हो वो नहीं कर पाता है। तो अभी राशिद सैफी ने कहा कि मेरे फैमिली चाहती है, और बड़े भाई के डॉक्टर MBBS, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। किड्स फैमिली एंड हकिंस फन। विजय राठौर कह रहे सर मुझे केमिस्ट्री डिटेल में पढ़नी है, कहाँ पढ़ना है सर बताओ। बहुत सारी वीडियो बेटा मेरी YouTube चैनल पर है, आप उनको देख सकते हैं, कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए, 1100 वीडियो, ध्यान से तो कितनी 1100 प्लस वीडियो, कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए, बस आगे लिख लीजिए बाय डॉक्टर सुधीर तोमर, गूगल में लिखिए, YouTube पर भी नहीं, गूगल में टॉपिक का नाम लिखिए, आगे बाय डॉक्टर सुधीर तोमर सारी निकल के आएंगी, वहां से पढ़िए डिटेल में। इसके अलावा मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, हमारे ऑफिशियल नंबर पर फोन करना है, वहां से हेल्प मिलेगी आपको। सर एक सेवती कह रही है कि ECG क्या है। बेटा अगर आप ऐसे क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हो इसका मतलब आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है। मैंने नीट के पेपर्स कराते हुए ही पूरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG जो है वो समझाया है। तो इस क्लास के बाद जब ये क्लास आपकी लाइव खत्म होगी पुरानी वीडियो को जाके देखो और
पीछे करो और वीडियो को रोको, 10 बार देखो और उसको आपको समझ में आ जाएगा कि ईसीजी क्या है। वैसे है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ना मैडम, दिल की धड़कन नापने वाला, कितना तेज धड़क रहा है दिल आपका और मेरा। हेलो जतिन बत्रा जी, कैसे हैं आप? और फैसल सिद्दीकी, स्वाति कश्यप, ये बताओ आज डाउट लेने हैं, आपकी बातें सुननी है, बातें करनी है, कुछ पढ़ना भी चाहोगे, फटाफट एक बार जरा बता दो। हाँ सब लाइक एंड शेयर कर दो। किड्स फॉर स्वाति कश्यप, स्वाति कश्यप कुछ पूछ रही है, कह रही मैडम बताइए सर, वही ईसीजी। अच्छा ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है ना, जब वो वाला ग्राफ आता है ना, टिक 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 वो करके, और वो लाइन अगर यूं ना आके बंदा गया काम से, अल्लाह को प्यारा हो गया वो, ये वो होता है ईसीजी। चलो एक बार मैं आपको भी बताऊंगी, एक बार पूरा डायग्राम दिखा के बताऊंगी तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा हवा हवा में, जब डायग्राम दिखाऊंगी तभी समझ आएगा। वैसे अगर देखा जाए ईसीजी का कितना बड़ा अहम रोल है हमारे जीवन में। बिल्कुल ऐसा। अब सोचिए कि हमारे जीवन में ना मुसीबतें ना हो, ठीक, मुसीबतें ना हो, हम ऐसे हैं, मुसीबत है, हम थोड़े डाउन में गए, हमने फिर बाउंस बैक किया, मेहनत की, आगे बढ़े, ऊपर गए, मुसीबतों पर अपनी जीत हासिल करके ऊपर गए, तभी जिंदा है, तब जिंदा है, नहीं तो अगर ये गया तो फिर, अगर मुसीबत नहीं है तब गलत रास्ते पर चल पड़े, चल रही है तो बंदा डेड है, वो मानव नहीं है, वो ही इज नॉट अलाइव। क्या बात, ही इज डेड। उतार चढ़ाओ, उतार चढ़ाओ। चलिए डाउट स्टार्ट कर देते हैं आपके फटाफट। मैडम पहले आप ले लीजिए, बायोलॉजी को पहले ले लीजिए बेटा, है ना, क्वेश्चन ही करा देते हैं सर कुछ, क्योंकि बायोलॉजी का आपको पता ही है कितना ज्यादा वेटेज है, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बायोलॉजी के, हमारा जो 2020 का पेपर है वो देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या हमारे क्वेश्चन जो है उसके अंदर रहते हैं। चलो तो हमने लास्ट क्वेश्चन बेटा जो कल किया था उसके आगे ही कंटिन्यू कर लेते हैं क्वेश्चंस को, डाउट भी लेते जाएंगे साथ साथ, क्वेश्चंस भी करते जाएंगे और आपके डाउट्स भी लेते जाएंगे बीच में, ताकि दोनों काम साथ में हो जाए, 2-in-1 काम करेंगे। डाउट तो ले ही रहे हैं, डाउट ही ले रहे हैं, बच्चे ने लिखा था डाउट ले लीजिए, डाउट जो पूछ रहे बता तो रहे हैं वो आपको, पूछते जाइए आप जो भी पूछना है। ईसीजी बताया हमने अभी आपको, पहले मैडम से पूछा बच्चे ने, वो भी हमने आपको बताया है, और गोबलेट सेल अभी बताया था। तो बेटा जो भी आपके डाउट हो आप बीच बीच में पूछते जाइए, साथ साथ क्वेश्चंस भी करते जाइए, 2-in-1 काम करेंगे, स्मार्ट वर्क करना सीखिए कि मतलब एक ही में नहीं दो दो काम एक साथ। चलो तो एक पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जब तक आपके डाउट्स आते हैं हमारे सामने। कुछ कह रहे हैं, कहाँ कंफ्यूज हो रहा है बच्चे? हाँ तो एडमिन जो है प्रशासन से आदेश आया है कि डाउट ही ले, वही ले रहे हैं, जाके बोलिए डाउट चल रहा है। विजय राठौर, तो सर क्वेश्चन एक, चलो एक कर लेते हैं, हमें खोल दिया है दो चार क्वेश्चन, तो 2020 के नीट के पेपर में कुछ क्वेश्चन भी बचे हुए हैं, डाउट पूछेंगे तो डाउट लेंगे। बिल्कुल ठीक है, जो आदेश आया है कंट्रोल रूम से, जैसे पूछेंगे तो डाउट लेंगे। ठीक है, तो सुमित बेटा जो आपका डाउट है चलो पहले एक बार वो बता देती हूँ। अच्छा इसका उत्तर भी आ गया है, स्ट्रॉबेरी कॉर्न जो है वो इक्विसिटम में है, बिल्कुल ठीक है, ये वाला आंसर तो सबको ही पता है कि इक्विसिटम में ही हमारे जो स्ट्रॉबेरी है या कॉर्न जो है वो मिलते हैं। दो क्वेश्चन पहले जो बच्चे पूछ रहे हैं वो देख लेते हैं बेटा, जो ब्रूनर ग्लैंड है वो आपके सब म्यूकोसा लेयर, ड्यूडनम की जो सब म्यूकोसा लेयर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें मिलते हैं ताकि एंजाइम सिक्रेट हो सके और डाइजेशन जो है मतलब पाचन जो है वो बॉडी में हो सके। बायो में बड़े सारे डाउट है, जू स्पोर्स क्या होते हैं? जू स्पोर्स ऐसे स्पोर्स होते हैं जो मोटाइल होते हैं, मोटाइल मतलब जो चल सकते हैं, जो ट्रैवल कर सकते हैं, उन्हें हम जू स्पोर्स कहते हैं, और इनके उल्टे होते हैं अप्लानोस्पोर्स, जो मोटाइल नहीं होते, जो मूव नहीं करते, जो एक ही जगह पे क्या रहते हैं, टिके रहते हैं, खड़े रहते हैं। चलो और पूछो फटाफट से डाउट्स, एक दो क्वेश्चन। हाँ जी सर, एक बच्चे केसरी ने पूछा है फिजिक्स कहाँ से पढ़े? फिजिक्स आप सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़े, अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है कोई रेफरेंस बुक है तो रेफरेंस बुक को आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिक आपको जो है ना एनसीईआरटी से ही रखना है, ठीक है, चाहे अगर आप नीट के लिए कर रहे हैं तो खासतौर से जेई के लिए आपको बाहर से भी करने की जरूरत पड़ती है, एक अभी जेई के लिए यूनिवर्सल बुक बनी गई है, आपको पता ही है, एससी वर्मा भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वैसे बुक्स का नाम और ये सब बताने के बजाय मैं यही चाहूँगा कि आप पहले अपने लेवल को पहले चेक करें, ठीक है, उसके बाद फिर अपनी वैरायटी को बढ़ाएं, आप कितना टाइम लगा सकते हैं, कितनी पढ़ाई आप दिन में करते हैं, बहुत सारी बातों के बाद आपको एक बताया जाएगा कि इसी बुक से करो, है ना, उसका फायदा तभी होता है।
आपको यही करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी को आप एनसीईआरटी का लेवल जो है वो मजबूत कर लीजिए पहले, ठीक है। विशाल पूछ रहे हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर कैसे वर्क करता है। बेटा जो आर्टिफिशियल पेसमेकर है, जब हमारी बॉडी में एक होता है सैन साइनोएट्रियल नोड, जब वो अपना काम नहीं कर पाता, मतलब हमारी हमारे हार्ट के अंदर, दिल के अंदर जब वो सिग्नल्स नहीं भेज पाता तो हार्ट पंप नहीं करता, धड़कता नहीं है आपका दिल, तो उसको पंप कराने के लिए, उस खून को आपकी बॉडी के अंदर ट्रेवल कराने के लिए आर्टिफिशियल पेसमेकर डाला जाता है जो सिग्नल्स भेजेगा आपकी बॉडी में। और सिग्नल के आते ही जैसे रेड लाइट ग्रीन हो जाती है, चलना शुरू कर देते हैं हम रोड पे, बिल्कुल वैसे ही आर्टिफिशियल पेसमेकर जैसे ही सिग्नल भेजेगा आपका हार्ट जो है वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, इस तरीके से काम करता है। और एपो एंजाइम किसे कहते हैं, एपो एंजाइम जो है हमारा एंजाइम का ही पार्ट है जो क्या करता है, आपका इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव बना देता है ताकि वो अपना काम आराम से कर पाए। सर एनसीईआरटी में अच्छे से समझ में नहीं आता है, प्रिया कह रही है। एक तो प्रिया ने ये भी कहा है और एक बच्चे ने कहा है, विजय राठौर जी ने, कि एनसीईआरटी फिजिक्स पूरी पढ़ के लगभग कितने मार्क्स आ जाएंगे, आप कितने मार्क्स लाना चाहते हो उतने आ जाएंगे। कमाल की बात यह है, सिलेबस तो एनसीईआरटी है। इसमें मैं इनको बता दूं, देखो बच्चों एनसीईआरटी में सारी चीजें दी हुई हैं, वहाँ डिटेल में नहीं दिया, ये बात है, वो संक्षिप्त में दिया हुआ है। प्रैक्टिस के लिए उसमें क्वेश्चंस थोड़े कम, हाँ प्रैक्टिस के लिए ये प्रॉब्लम है। आपको कंटेंट जो है वो एनसीईआरटी का लेना है अंडरलाइन करके, एक भी लाइन वहाँ बेकार नहीं है एनसीईआरटी में, इसीलिए वो इतनी पतली सी बुक है, इतनी पतली बुक है, इसीलिए निचोड़ के, हाँ पूरी टीम ने, प्रैक्टिस के लिए बाहर जंप करना है आपको और पूरे नंबर आ जाएंगे। हाँ केमिस्ट्री की मैं बता दूँ, थोड़ा सा बाहर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, केवल अगर एनसीईआरटी पढ़ा तो फिर दिक्कत हो जाती है, फिर आपका सिलेक्शन हो जाए, रैंक लाना बड़ा मुश्किल होगा। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कौन सी बुक से करें, एक सुमित यादव का सवाल आया है और विजय राठौर भी कुछ पूछ रहे हैं, फिजिक्स पूरी अच्छा हो गया है, दीपांशु जी पूछ रहे हैं, हाँ वो पूछ रहे हैं 180 में से 180 फिजिक्स, विजय राठौर पक्का, अच्छी बात है, पक्की बात है, आप कर सकते हैं। पहले एनसीईआरटी को करें, जब एनसीईआरटी हो जाएगा उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी कर लिया आपने। हाँ जी, तो जो बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड है बेटा वो आपके इन्वॉल्व होंगे जब मेल्स की टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म्स बने हैं उनके ट्रेवल करने के लिए, उनको बॉडी से बाहर रिलीज करने के लिए जो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है, जो तरल पदार्थ की जरूरत होती है, वो बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड से रिलीज होता है, तो यही उसका रोल है बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड का। प्रिया कुमारी ने लिखा है एनसीईआरटी अच्छे से समझ में नहीं आती। एनसीईआरटी समझ में नहीं आती ऐसा इसलिए आपको लग रहा है कि आपको कुछ बातें उसमें बहुत सरल तरीके से दी गई हैं, कुछ बातें थोड़ी जटिल लगती हैं, लेकिन आप अगर एक दो बार पढ़ेंगे उसको तो धीरे धीरे समझ में आएंगी। और दूसरी बात, जो क्लास में हम लोग कर रहे हैं, क्लास में जो भी टॉपिक करवाया जा रहा है आपको, उसको एक बार पढ़ने के बाद फिर से एनसीईआरटी पढ़ो और मजा आएगा फिर आपको, ठीक है। ज्विटर आयन्स कैसे बनते हैं, ज्विटर आयन, ओके बेटा, जो ज्विटर आयन है उसमें जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, अगर दोनों साइड पे पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज हो, एक साइड पे अमोनिया पॉजिटिवली चार्ज हो और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर नेगेटिवली चार्ज हो, तो उस कंडीशन को हम ज्विटर आयनिक फॉर्म कहते हैं, एक तरफ NH3 प्लस और एक तरफ COO नेगेटिव, तो प्लस माइनस कैंसिल कर जाएंगे और उसको हम ज्विटर आयनिक फॉर्म कहते हैं। ये केमिस्ट्री में भी होता है, डाइपोलर स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, दैट इज कॉल्ड ज्विटर आयन, ये वहां भी होता है। और बनवारी जी पूछ रहे 650 प्लस ये काफी है मैम? काफी तो कुछ नहीं होता, काफी तो 720 भी नहीं है बेटा, है ना, 720 में से 720, लेकिन हाँ नहीं, ये बात सही है कि 650 प्लस का मतलब है कि आपका एडमिशन अच्छी जगह सुनिश्चित है, ये वो कह रहा है, मतलब इससे नीचे ये सही है। टारगेट जो है ना ये थोड़ा सा बढ़ा के रखे, लेकिन ये क्या है, ये मिनिमम मान के चलो कि मेरे को इससे नीचे 649 बनता नहीं है, ये मान के चलो। ये बनवारी आपने सही कहा ये बात, हाँ जी सैफी, हाँ यही डाइपोलर स्ट्रक्चर होता है जो आपने लिखा है कमेंट बॉक्स में। एक सवाल आ गया है, जब तक आपके जवाब कुछ आप पूछते हैं तब तक बीच बीच में सवाल भी ले लें, चूंकि 2020 में केमिस्ट्री फिजिक्स पूरा हो गया है, बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, और मंडे से 2019 नीट का पेपर हम कराएंगे, आप भी प्रिंट आउट निकाल के रख लें अपनी, उसमें डाउनलोड कर लें NTA की वेबसाइट से, ताकि सिस्टमेटिकली उनको कर सके, जो कोड हमारे पास होगा उसके हिसाब से क्वेश्चन होंगे तो मिल जाएंगे आपके उसमें, वो हम लेकर के चलेंगे। सर दीपांशु पूछ रहे हैं GnRH, GnRH की बेटा एक तो फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो आपका ब्रेन है जिसमें आपका मास्टर ग्लैंड प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस, वो क्या करता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है ताकि आपके जो बॉडी में गोनाड्स है चाहे वो मेल हो या फीमेल हो उनके अंदर से हार्मोन्स रिलीज हो सके।
तो GnRH सबसे पहले याद रखना कौन रिलीज करेगा, हाइपोथैलेमस विच इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, सबसे बड़ा मास्टर, जैसे स्कूल का मास्टर होते हैं ना वैसे ही हमारी पूरी बॉडी का जो मास्टर है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है जो रिलीज करेगा GnRH। एम्स के लिए पूछा है किसी बच्चे ने, सुमित यादव ने शायद, प्रिया कुमार, एम्स के लिए 680 प्लस लेकर के चलिए, 680 से नीचे सोचना भी नहीं, 680 690 प्लस सोचिए, चूंकि अब की बार एक्सेप्शनल मेरिट थी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और मैडम के नंबर कितने आए थे ये मैं समझता हूँ, ऐसी चीज़ें हर कोई सीक्रेट रखना चाहेगा, बस ये समझिए कि काम हो गया था बढ़िया से। देविका विश्वकर्मा आपके कितने आएंगे वो मायने रखेगा हमारे लिए, मैं भी हूँ ना देविका विश्वकर्मा, आप भी हैं मेरे बच्चे, हेलो सर और डॉक्टर ज्ञान रॉय, मैं फैसल सिद्दीकी। कल का टेस्ट कैसा होगा ये मैं बता दूं, वेबसाइट पर जाकर भी दे सकते हैं, नहीं तो जो मोबाइल एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए वो मोबाइल एप्लीकेशन में दिया गया है, वो आप कर सकते हैं। जब तक और डाउट आ रहे हैं एक क्वेश्चन सर बेटा, जब तक आप पूछ रहे हैं एक क्वेश्चन भी ले लीजिए फटाफट। चलो तो बता दो, इसके अंदर भी बता दो फटाफट, जो मियोटिक डिवीजन है यानी कि अर्धसूत्री जो विभाजन होता है उसके अंदर सेकेंडरी ओसाइट इज कंप्लीटेड, कब सेकेंडरी ओसाइट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ, जब स्पर्म और ओवन का निषेचन होता है मतलब वो फ्यूज करते हैं एक दूसरे के साथ, ओव्यूलेशन अंडाणु बनने से पहले, एट द टाइम ऑफ कॉप्यूलेशन, कॉप्यूलेशन के टाइम पर, या फिर जब जायगोट युग्मक जब बन जाता है उसके बाद, कब होता है जल्दी से बताएंगे आंसर, आंसर भी बताओ और डाउट भी पूछते रहो, टू इन वन काम करेंगे जल्दी जल्दी। क्या आंसर होना चाहिए इसका, कब होगा ये काम बताओ, देविका, डॉक्टर ज्ञान रे, विजय बनवारी, फसल सिद्दीकी, सुमित यादव, प्रिया कुमारी, दीपांशु, सब बच्चों के आंसर आ जाए फटाफट से। विशाल क्या लगता है आपको कब होता होगा, ए वेरी गुड, फोर वेरी गुड, फोर फोर, सी फोर, अलग अलग आंसर आ रहे हैं सबके। बेटा विजय बिल्कुल ठीक है, विजय की विजय हो गई है, आंसर जो है वो ए है, जब आपका स्पर्म और जो आपका ओवम है जब वो फ्यूज करते हैं, जब उनका निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, तभी उसकी सेकेंडरी जो मियोटिक डिवीजन है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। जो जो सी बोल रहे हैं वो ध्यान रखना है, ए है इसका आंसर, पहला डी नहीं ए। चलो आगे भी देख लेते हैं साथ में एक और क्वेश्चन, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल, जो ओव्यूल होता है वो फ्यूनिकल के साथ जुड़ा होता है किसकी हेल्प से, चैलिजा, हाइलम, माइक्रोपाइल या न्यूसिलस, किस में जुड़ा होता है बॉडी ऑफ द ओव्यूल। हाँ जी सी वन वन ए वन, विशाल, सेवती, तबस्सुम, बताओ भाई किससे जुड़ा होता है ओव्यूल, जो है वो फ्यूनिकल के साथ जब जुड़ा होता है तो स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं। ओ मैम ओके कोई बात नहीं, इतना दुख, इतना बड़ा ओ। हाँ जी क्या लगता है, तबस्सुम को लग रहा है ए। अच्छा बाकी सब ये मैंने बेटा जब अभी अभी क्रैश कोर्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसके अंदर भी कराया, तो जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है उनका तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि बिल्कुल सही आंसर आएगा। एडी मल्होत्रा थ्री, प्रिया फोर, बनवारी वन, नरेंद्र वन, ठीक है विशाल थ्री, ओके बी थ्री, थ्री बी, अलग अलग थ्री बी में कंफ्यूज है बेटा, आंसर है बी, हाइलम जो होता है उसी के साथ जो आपका ओव्यूल है वो किसके साथ जुड़ा होता है, फ्यूनिकल के साथ जुड़ा होता है। तो इसको याद रखो, ये क्वेश्चन दो तीन बार आया है 2020, 19, 17, ऐसे दो तीन बार भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम। सही जवाब दिया है देविका ने, जो क्रैश कोर्स में भी है बच्चे। हाँ जी सही जवाब दिया है, मतलब क्रैश कोर्स वाले बच्चों तो सर बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनको तो सारी चीजें क्लियर हो रही है। मैं मुझे भी ज्वाइन करना है, तो डॉक्टर ज्ञान रे किस चीज का इंतजार कर रहे हो, करो अभी के अभी ज्वाइन करो, क्रैश कोर्स जो है एक तो स्टार्ट भी हो चुका है और आपको सारी वीडियोस जो है वो अवेलेबल भी है, जल्दी से उसको ज्वाइन कर लो, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। चलो स्पेस टीवी, गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। चलो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, देखो डायग्राम भी बनाया हुआ है मैंने, हाइलम की हेल्प से जो ओव्यूल है वो किससे जुड़ा होता है आपके, फ्यूनिकल से। नेक्स्ट गोबलेट सेल, अभी किसी ने डाउट पूछा था, जो गोबलेट सेल है एलिमेंट्री केनाल के वो किससे मिलके बनते हैं, अभी किसी ने बताया था गोबलेट सेल किससे मिलके बनते हैं, गोबलेट सेल एपिथेलियल सेल से, स्क्वेमस एपिथेलियम, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम या कॉन्ड्रोसाइट्स, बताओ भाई गोबलेट सेल्स जो हमारे हेल्प करते हैं डाइजेशन में किससे मिलके बनते हैं, वो कौन से सेल्स होते हैं जो मॉडिफाइड होकर गोबलेट सेल में कन्वर्ट करते हैं, नाइन्थ में भी पढ़ा हुआ है ये तो आपने। हाँ जी सर, पहले आप ये डॉक्टर ज्ञान रे को बताइए कैसे ज्वाइन करना है। इसके लिए बेटा बड़ा सिंपल सा है डॉक्टर साहब, फ्यूचर डॉक्टर हैं आप, 9985819195 पर कॉल कर लीजिए, फिर से बता देता हूँ 1999181995 99185819195
है ना, और 11 हाँ छोड़िए 9958119195 पर कॉल कर लीजिए। आसान है वैसे ज्वाइन करना, बिना फोन के भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के। हाँ 11 9 9 11 9 5 8 19। मैं कर रहा हूँ मैडम, मैं लिख देता हूँ 9958119115। इस नंबर पर कॉल कर लेंगे तो आपको गाइड किया जाएगा, आप जुड़ सकते हैं। वैसे डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से आप एकलव्य एजुकेशन यानी कि EKEDU ये वाला एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए और बस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए, हो जाएगा आपका। आप कल मंडे की लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका यही है सबसे बेस्ट, तो नहीं तो आप अपना नंबर भी दे देंगे तो हो जाएगा, लेकिन लाइव भी नंबर नहीं चलेगा, ठीक है ना। हाँ वो बता दिया नंबर किसी ने, ठीक है ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है बच्चों, आपका आंसर भी एकदम ठीक है कि कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, जो कॉलम की तरह होते हैं, उन्हीं से क्या बनते हैं, हमारे गॉबलेट सेल बनेंगे, जो आगे जाके हमारे को डाइजेशन में हेल्प करेंगे। बिल्कुल ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट इंकल्शन बॉडीज इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट जो है इंकल्शन बॉडी के बारे में गलत है, कौन सा गलत है? दीज रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल, क्या ये साइटोप्लाज्म में मटेरियल को खाने को रिजर्व करके रखते हैं? दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, क्या इसके आसपास कोई मेम्ब्रेन कोई भित्ति नहीं होती? दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल, क्या ये खाने को इंजेशन मतलब कंज्यूम करने में हेल्प करते हैं, या फिर ये साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे मुफ्त फ्री में घूम रहे होते हैं? देखो फटाफट ऑप्शन और आंसर आए मेरे पास जल्दी से। सी 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 ओके, हाँ जी राशिद मैम क्या क्या याद रखे, सब मैम ही याद रखे, आप याद रखो नंबर है ना, सब कुछ मैम याद रखेगी तो आप क्या याद रखोगे? क्या लगता है बच्चों कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट गलत है इंकल्शन बॉडी के बारे में? एक ही है बस जो गलत है, बाकी सब तो सही है। क्या लग रहा है जल्दी 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 से आंसर? ठीक है कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं सी, भीमसेन वेरी गुड सी ओके, बलबन सेन टू, स्पेस टीवी थ्री, ज्ञान रे सी, सेवती सी, बिल्कुल ठीक है बेटा आंसर इज सी। जो ये जो होते हैं फूड पार्टिकल को इंजेशन करने में इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब ये खाने को बॉडी के अंदर लेने के लिए कंज्यूम करने में इनका कोई रोल नहीं होता। बाकी सारी स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब इंकल्शन बॉडी जो है वो फूड मटेरियल भी स्टोर करती है, ये इनके आसपास कोई मेम्ब्रेन भी नहीं होती और ये साइटोप्लाज्म में एकदम मुफ्त में एकदम फ्री में घूम रहे होते हैं। तो आंसर जो स्टेटमेंट गलत है वो कौन सी है? तीसरी जो कथन है, तीसरा जो स्टेटमेंट है वो एकदम गलत है। बिल्कुल ठीक आंसर दिया है बच्चों ने, एक दो बच्चों का गलत हो गया बाकी सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। समावेश निकाय के बारे में भी प्रिया कुमारी ने पूछा हुआ है। हाँ जी सर, चलो नेक्स्ट इज नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन क्रॉप इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ स्टेम। अगर आप गन्ने के पौधे पे डालो स्प्रे डालो तो वो कौन सा हार्मोन है जो शुगर केन की ग्रोथ को बढ़ा देता है, मतलब गन्ने की अगर आप गन्ने का एक खेत है उस पर कौन सा हार्मोन डालने से जो शुगर केन है उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, उसकी स्टेम उसका तना जो है वो बढ़ जाता है? एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन या इथाइलिन, कौन सा हार्मोन होता है? क्लास टेंथ में भी पढ़ा हुआ है, देखो 2020 में पूछा गया है और क्लास टेंथ में पढ़े हैं हमने सारे हार्मोन्स। क्या लगता है आपको? राशिद जी पूछे, चलो ये तो आंसर मुझे मिल ही जाएगा। सिनर्जिड सेल्स क्या होते हैं बेटा? सिनर्जिड सेल जो है वो हमारे फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट्स के ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को हम सिनर्जिड सेल्स कहते हैं। एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिड सेल्स, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है जो फीमेल गैमेटोफाइट में है, जो मेल गैमेट को एंट्री कराएंगे और फ्यूजन करने में हेल्प करेंगे। हाँ जी सी बी या डी, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। क्या लगता है कौन सा आंसर होना चाहिए इसका? सी ओके, फोर थ्री सी, देख लो टेंथ का पूछा गया है, इतना बेसिक चीजें पूछते हैं। बेस को स्ट्रॉन्ग करो, किसी ने घर बना दिया लाखों रुपए का, मार्बल लगा दिया, अच्छा अच्छा पत्थर लगा दिया, लेकिन अगर उसकी नींव जो है वो वीक है तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि घर जो है वो ढह जाएगा, घर गिर जाएगा। तो अगर आपको बहुत हाई लेवल का आता है लेकिन अगर आपका बेस अच्छा नहीं है, बेस पक्का नहीं है, तो भगवान बचाए फिर तो। हाँ जी आंसर बिल्कुल ठीक है, आंसर इज सी यानी कि जिब्रेलिन। अगर हम जिब्रेलिन हार्मोन जो है वो शुगर केन के ऊपर डालेंगे तो उसकी लेंथ जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और जो बाकी है एब्सिसिक एसिड तो ग्रोथ को रोकता है, साइटोकाइनिन सेल को डिवाइड करने में यूज होता है, और इथाइलिन जो है वो सेनिसेंस करता है, सेनिसेंस मतलब प्लांट को बुढ़ा करने में हेल्प करता है।
बूढ़ा करते हैं। वैसे ये जो इथाइलीन है, एसिटिलीन भी बोलते हैं इसको, कच्चे फलों को पकाने वाली गैस होती है इथाइलीन, है ना। ये प्लांट हार्मोन भी होता है। और गन्ने के बारे में जिक्र आ गया तो भाई गन्ने के बारे में तो बताना पड़ेगा मुझे, सर मुझे लग रहा था। गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है ना, मैं जनरली पूछ रहा हूँ, मैडम को रेस्ट दे रहा हूँ क्योंकि बहुत स्पीड से बोलना पड़ता है। और बताएं बेटा बलवंत जी, बताएं गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कौन सा देश? थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ, होता है ना बीच में कमर्शियल ब्रेक। चीनी का कटोरा एक देश को बोलते हैं ना सर, पढ़ा ना, चीनी का कटोरा किसको बोलते हैं? भारत में सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ उगाया जाता है? सबसे ज्यादा जो हेल्दी गन्ना है वो पूना का होता है। तो मैं बता देता हूँ, एक बार पूना गए, चूंकि हम गन्ने की खेती हमने भी किया, भाई किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, बड़े दमदार तरीके से गन्ने की खेती करते हैं, तो वहाँ का गन्ना सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। मैंने देखा हमारे गन्ने से बहुत हेल्दी गन्ना होता है। लेकिन सबसे ज्यादा गन्ना जो उगाया जाता है यूपी में, आप लिख रहे हैं यूपी में भी, वेस्टर्न यूपी में, मतलब जो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, मेरठ की जो कमिश्नरी है वो सहारनपुर, इधर गन्ना उगाया जाता है। और क्यूबा, हाँ बिल्कुल सही उत्तर दिया है, गन्ने का जो रिप्रोडक्शन होता है, जो उसको उगाया जाता है, उसके उगाने की प्रोसेस को वेजिटेटिव बोलते हैं मैडम, काट के जो बोलते हैं ना, हाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और उस पर गैमेक्सिन डाई और वो यूरिया उसमें बहुत ज्यादा डालते हैं, तो तब उगाया जाता है गन्ना। एक साल लगता है पूरा गन्ने उगाने में, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा, है ना। फैसल सिद्दीकी पूछ रहा है सर आप कौन से गांव से हो, केमिस्ट्री वाले सर, मैं फैसल सिद्दीकी तेरे ही गांव से हूँ भाई, है ना, तेरे ही गांव से भाई, भाई 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 है एकदम, हाँ पक्का सच में। चलो करें फिर आगे बढ़े सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार और। तब तक बेटा आप लोग अपने डाउट भी पूछते रहो, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आपके डाउट्स है, आते रहे डाउट्स, डाउट्स आना रुके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जो मानव में जो पाचन तंत्र है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। वर्मीफोर अपेंडिक्स जो है वो ड्यूडनम में ओपन होता है, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन में, सिरोसा सबसे अंदर की लेयर है, या जो इलियम है वो हाईली कॉइल्ड है। और कितनी अच्छी बात है कि मैम ने आंसर भी लिख दिया है, वेरी गुड। आंसर जो मैंने लिखी दिया है इसके अंदर, आंसर जो है वो फोर है, सब बच्चे देख ही रहे हैं कि फोर आंसर जो है वो जो है स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि जो इलियम है वो क्या है, हाईली कॉइल्ड पार्ट है, बाकी सब जो है वो गलत है। सिरोसा इज नॉट द इनर मोस्ट लेयर, इलियम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन नहीं होता, और वर्मीफोर अपेंडिक्स जो है वो भी ड्यूडनम से नहीं आता। इस वर्मीफोर अपेंडिक्स के बारे में याद रखना, वर्मीफोर अपेंडिक्स जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन होता है हमारा। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में होते तो है बट उनका कोई काम नहीं होता, फालतू में है। पहले कोई काम था बट अब कोई काम नहीं होता, तो उसका एक एग्जाम्पल है वर्मीफोर्म अपेंडिक्स। चलो आगे चलते हैं, बिल्कुल ठीक, इसका आंसर तो मैंने ही दे दिया, मैंने लिख ही दिया था इसके अंदर। एक बच्चा गन्ने का बोटनिकल नेम पूछ रहा है, गन्ने का बोटनिकल नेम सैकेरम होता है, पूरा नाम होता है सैकेरम ऑफ्निफेरम कुछ करके होता है, हाँ कुछ ऐसा होता है। क्योंकि जिस चीज को देखो, मैंने इनको एक दिन कहा था कि जो भी काम करो तो सर्दी से करो, खेती करते रहे ना तब भी बोटनिकल नाम याद कर लिया था, कितने परसेंट उसमें से शुगर निकलती है, कितने परसेंटेज, मतलब पूरी प्रोसेस, गन्ने को उगाया और गन्ना मिल में लेकर के जाते थे भैंसा बुग्गी से, ट्रैक्टर तो अब आई है चीजें, वहां से निकल करके और ये वाला सफर और वो वाला सफर, वो सारी चीजें, तो आप भी ऐसे ही सीखो चीजों को। यूनिवर्सल इंसान कह रहे नाचो। बिल्कुल, चलो तो ये देखो एक डायग्राम भी मैंने बताया था कि सबसे अंदर की लेयर नहीं होती सिरोसा, सिरोसा जो है वो सबसे बाहर की लेयर होती है। ओवरी इज हाफ इंफीरियर, ओवरी जो है वो हाफ इंफीरियर किस में होता है, प्लम में, ब्रिंजल में, मस्टर्ड में, या सनफ्लावर में, मतलब बेर में, बैंगन में, सरसों में, या फिर सूरजमुखी में, किस में जो है वो हाफ इंफीरियर होता है। मैंने आपको पिता पिछली क्लास में भी हाफ इंफीरियर, पूरा इंफीरियर और जो है सुपीरियर के बारे में आपको बताया। अगर आप क्लासेस मिस कर रहे हो, एक क्वेश्चन दूसरे से रिलेटेड है, अगर आप मिस कर रहे हो तो बेटा क्लास के बाद उसको जाके देखो, जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी साथ साथ समझा रही हूँ। तो मेरी मेहनत भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए और आपका भी जो टारगेट है वो कंप्लीट होना चाहिए। अपनी सारी वीडियोस को रोज देखो, बार देखो, ताकि क्वेश्चंस आपको याद होते जाए जब आप उस चीज को देखोगे। तो चार है आंसर, हाँ जी, क्या होता है, किस में होता है, ओवरी जो होता है वो हाफ इंफीरियर होता है, मतलब बीच में प्रेजेंट होता है, ना ऊपर ना नीचे, बीच में। चार है, वन है, वन है, अलग अलग आंसर, चार वन, चार या वन, प्लम या सनफ्लावर, सूरजमुखी होता है पक्का। सहाना भी आ गई है, वेरी गुड इवनिंग सहाना, वेलकम, थोड़ा सा लेट हो गए आप। चार है शायद, सी है, वन है, बेटा वन आंसर है, बिल्कुल ठीक है। जो प्लम है, जो बेर है, उसमें क्या होती है, ओवरी जो होती है वो हाफ इंफीरियर होती है, मतलब बीच में प्रेजेंट होती है। भीमसेन आपका भी ठीक था बिल्कुल।
चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कौन सी स्टेटमेंट गलत है इम्यूनिटी से लेकर, इम्यूनिटी की तो आजकल हमें बहुत ही जरूरत है, ऐसे ऐसे वायरसेस आ रहे हैं हमारे आसपास तो हमें इम्यूनिटी की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। फीटस जो होता है वो एंटीबॉडीज अगर अपनी मदर से ले रहा है तो क्या उसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं? मैं थोड़ा सा साइड होके ताकि आप पढ़ सको इसको। जब एंटीजन जो है एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन दी हो, अगर एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बन रहा है तो क्या उसे एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं? अगर रेडीमेड एंटीबॉडी बॉडी में डाली जाए तो क्या उसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं? और एक्टिव इम्यूनिटी क्या जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स देती है हम सबको? तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है इसके अंदर? एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी क्रैश कोर्स में मैं बस कराने ही वाली हूँ एंटीबॉडी और दो चार क्लासेस के बाद। तो जिनको एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आती है इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट में, दो क्वेश्चन आने ही आने हैं, ना आए मेरा नाम बदल देना कि मानसी मैम का नाम बदल देते हैं अगर इम्यूनिटी पे और एंटीबॉडीज पे क्वेश्चन नहीं आया तो। एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा, इस बार भी आएगा और हर बार आया है, तो उसको बताओ जल्दी से कौन सा स्टेटमेंट गलत है और क्यों आएगा? क्योंकि वैसे ही इतना आजकल वायरसेस फैल रहे हैं तो जो भी रीसेंट चीजें हो रही है उस पे तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में। हाँ जी, तो बेटा जो इसमें स्टेटमेंट जो गलत है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तीन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 3, 4 ओके विनीत कह रहे हैं 4, सहाना 3, ज्ञान रे 3 और 4th ही गलत है। बिल्कुल ठीक है विनीत आपका 4 जो है बिल्कुल ठीक है, बनवारी आपका भी, जो 4th स्टेटमेंट है वो गलत है। एक्टिव इम्यूनिटी हमें क्विक रिस्पॉन्स नहीं देती, धीरे धीरे रिस्पॉन्स देती है। हमारा जो इम्यूनिटी जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। बिल्कुल ठीक है, 4 आंसर जो है वो एकदम हमारा ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो तो ये था, अच्छा यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो बेटा यहाँ पे जो है हमारा 2020 के सारे क्वेश्चन जो है हमने कवर कर लिए हैं, फिजिक्स के भी केमिस्ट्री के भी। अब मंडे को तैयार रहना, मंडे को तैयार रहना, मंडे को 2019 का क्वेश्चन करेंगे, 2019 से स्टार्ट करेंगे है ना। फिजिक्स भी सर आप कैमरे से बाहर है, बहुत दूरी पर है, हमारे रामदेव सर जो है ना छोटे रामदेव खुद एनर्जी दिखाते रहते हैं दूसरों को, कई बार कैमरे से बाहर नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा, बच्चे बहुत डिमांड करें आपकी। बेटा पढ़ के आना और दो चार बच्चे जो अपने रेगुलर बच्चे हैं उनको हम थोड़ा सा एक्सेस दे देंगे ताकि वो कुछ अगर बैड एलिमेंट यहाँ आते हैं फट से भगा उसको, एक को तो हमने ब्लॉक करवा दिया यूट्यूब से, चला ही नहीं पाएगा वो, तो ये चीज़ें क्योंकि बैड कैरेक्टर भी संसार में भरे हुए हैं वो आ जाते हैं, इग्नोर मारे उनको, दुनिया है ऐसे। तो मेहनत करो और हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है? मिलते हैं फिर संडे को, क्या होगा टेस्ट होगा संडे को, आपको करना है टेस्ट, कहाँ है बता चुका हूँ, वीडियो देख लीजिएगा और मंडे को हम मिलेंगे, मंडे को आंसर की आएगी बेटा है ना, ठीक है? ठीक है, कल क्लास नहीं होगी, मंडे को होगी एज यूजुअल। ओके बाय एवरीवन, टेक केयर, और बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, मतलब ये ध्यान रखते हुए कि हमें अब एग्जाम क्लियर करके ही रहना है, बाय हुक एंड क्रूक वी हैव टू डू इट, बस बाय बाय एवरीवन।